टैब दे दो मेरे को, टैब दे दो। आ जाइए भाई, कनेक्ट हो जाइए जल्दी से, जल्दी से कनेक्ट हो जाइए, जल्दी से कनेक्ट हो जाओ भाई। आवाज चेक करके बताओ भाई, आवाज चेक करके बताओ। आवाज चेक कीजिए एक बार, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही। आवाज चेक कीजिए, आवाज आ रही है या नहीं। मैसेज करो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, और जल्दी से कनेक्ट हो जाओ, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी आगे चीजें समझने में। एंसेंबल हाइपोथेसिस, एंसेंबल हाइपो थेसिस। जो कनेक्टेड है मैसेज कर दो एक बार, जो कनेक्टेड है टेक्स्ट करो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। जो कनेक्टेड है टेक्स्ट कीजिए, जो कनेक्टेड है मैसेज करो, तभी आगे बढ़ पाएंगे हम लोग। करो भाई मैसेज, कनेक्टेड हो तो मैसेज करो एक बार। फटाफट आओ भाई, फटाफट आ जाओ, देखो लेट हो रहे हो तुम लोग। जल्दी से आ जाइए, ठीक है। अभी देखो, अभी तक हम लोगों ने बात करी कि किस तरीके से आप मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हो, या फिर किस तरीके से आप क्या बता सकते हो कि किसी आइथ एनर्जी स्टेट, जिसकी एनर्जी ई आई है, कोई आइथ एनर्जी स्टेट जिसकी एनर्जी क्या है भाई, जिसकी एनर्जी ई आई है, टेम्परेचर टी के ऊपर कितने पार्टिकल होंगे। एन आई इज इक्वल टू जी आई ई की पावर माइनस ई आई बाई के टी। इतनी बात हो चुकी है, इतनी बात हो चुकी है ना भाई। हाँ, इतनी बात हो चुकी है, इतनी बात हो चुकी है। देखिए, अब हमारे पास आता है नेक्स्ट, पोस्टुलेट ऑफ स्टेटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स, पोस्टुलेट्स ऑफ स्टेटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। सबसे पहला है
सबसे पहले पोस्टलेट को पढ़ने के लिए जो पहला पोस्टलेट क्या है, पहला पोस्टलेट है एनसेम्बल हाइपोथेसिस ही है। पहला पोस्टलेट एनसेम्बल हाइपोथेसिस ही है। सबसे पहले मैंने आपको बताया एनसेम्बल होती क्या है भाई, एक बात समझना। देखो देखो, मान लो ये पानी की बोतल आपके पास है, मान लो ये पानी की बोतल आपके पास है, यहाँ पर क्या लिखता है, देखो मान लो ये पानी की बोतल आपके पास है, मैंने इस पानी की बोतल को कितने पार्ट में डिवाइड कर लिया, इस पानी की बोतल में जितना भी पानी, मैंने इसको चार हिस्सों में डिवाइड कर लिया, फिर उस फोर्थ वाले हिस्से को और छोटा कर लिया, फिर जो फोर्थ, जो वन फोर्थ हिस्सा, उसको फिर मैंने 1000 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, और फिर मैंने उसको उस 1000 में हिस्से को और छोटा कर लिया, तो उस छोटे से पार्ट में जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल बचेंगे ना, तो मुझे उनका डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है, और उसको क्या कहा जाता है, उसी को एनसेम्बल कहा जाता है। उसी को क्या बोलते हैं, एनसेम्बल। रुकना एक बात भाई, देखो भाई, इट इज द मोस्ट जनरल स्टैटिस्टिकल प्रोसेस, स्टैटिस्टिकल प्रोसेस टू कैलकुलेट द, हाँ मैं आपको बता रहा था, जैसे पानी की बोतल आपके पास है, पानी की बोतल आपके पास है, इसमें इसको शेप कंसिडर मत करना भाई, इसकी मान लो आपके पास 1 लीटर पानी किसी वेसल के अंदर है, किसी स्क्वायर वेसल के अंदर 1 लीटर पानी है, आपने उस स्क्वायर को और बराबर बराबर तोड़ लिया, मान लो जिस रूम में मैं बैठा हुआ या फिर यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ये पूरा रूम पानी का भरा हुआ या फिर कह लो गैस के मॉलिक्यूल यहाँ पर है, इस पूरे रूम को मैंने 100 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, 100 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, फिर उस 100 वाले पार्ट को फर्दर 1000 पार्ट में डिवाइड कर लिया, वो जो 1000 पार्ट की जो एवरेज टेम्परेचर होगा, वही एवरेज टेम्परेचर पूरे रूम का होगा, उस 1000 में पार्ट की जो एवरेज एनर्जी होगी, वही इस पूरे रूम की एनर्जी होगी, तो मुझे पूरे रूम में जितने पार्टिकल हैं सबका डिस्ट्रीब्यूशन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं उस हिस्से का डिस्ट्रीब्यूशन देखूंगा, उसके लिए एवरेज प्रॉपर्टीज की वैल्यू निकाल लूंगा, और उस जो छोटे से हिस्से की एवरेज प्रॉपर्टी निकालूंगा, उस छोटे से हिस्से को क्या कहा जाता है, एनसेम्बल कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है भाई, एनसेम्बल। मान लो मेरे पास है 10 मोल वाटर के मॉलिक्यूल, मान लो मेरे पास 10 मोल या फिर मेरे पास 100 मोल वाटर के मॉलिक्यूल हैं, उस 100 मोल वाटर के मॉलिक्यूल को 10 हिस्सों में डिवाइड कर लूंगा, क्या आ जाएगा मेरे पास, 10-10 मोल के 10 टुकड़े आ जाएंगे, जिसमें हर टुकड़े में कितने पार्ट, हर पार्ट में कितने मॉलिक्यूल होंगे, 10 वाटर के मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है भाई। अब उसके बाद वो जो 10 वाटर के मॉलिक्यूल होंगे उसको फर्दर 10 हिस्सों में डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास एक हिस्से में 1 मोल वाटर के मॉलिक्यूल बचेंगे, अब मुझे उस 1 मोल को एनर्जी लेवल में डिस्ट्रीब्यूट करना है और वहां से एवरेज प्रॉपर्टी निकालनी है, उस 1 मोल जो पानी है ना, उसी को क्या कहूंगा भाई, उसी को कह दूंगा एनसेम्बल, उसे क्या कहा जाता है, एनसेम्बल कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं भाई, एनसेम्बल कहा जाता है, हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ, जैसे जैसे यूनिट सेल, यूनिट सेल, यूनिट सेल में क्या होता है, पूरे के पूरे सॉलिड को छोटे हिस्सों में डिवाइड करते हैं, अब वो यूनिट सेल, हम यहाँ पर यूनिट सेल नहीं, हम तो अब यहाँ पर उससे भी छोटा पहुंच गए, उससे भी छोटे हिस्से में पहुंच गए भाई, ठीक है। देखो भाई, यहाँ पर लिखा हुआ है इट इज द मोस्ट जनरल स्टेटिस्टिकल प्रोसेस, मैंने पहले लिख दिया, नहीं तो लिखने में बहुत टाइम वेस्ट होता है, यहाँ पर लिखना भाई, इट इज द मोस्ट जनरल स्टेटिस्टिकल प्रोसेस दैट प्रोसेस टू कैलकुलेट द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज डेवलप्ड बाय विलार्ड गिब्स, ये था भाई, विलार्ड गिब्स ने दिया था इसको 1839 में, 1839-1903 से तक वो तो उसका बर्थ और डेथ दे रखी है। इट इज द मोस्ट जनरल स्टैटिस्टिकल प्रोसेस टू कैलकुलेट द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी डेवलप्ड बाय गिब्स, ठीक है भाई, ये एक बहुत जनरल स्टैटिस्टिकल अप्रोच है जो किसने दी है भाई, गिब्स ने दी है, क्या करने के लिए, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज को निकालने के लिए। आगे लिखता है गिब्स अप्रोच वर्क on both dependent and independent particle, making it very powerful. देखो ये dependent particle के लिए भी काम करती है और independent particle के लिए भी काम करती है, dependent के लिए भी और independent के लिए भी काम करती है भाई, ये वाली approach दोनों के लिए ही काम करती है। आगे बढ़ता है, making it very powerful, हाँ एक और बात, ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट दोनों पर काम करते हैं, पर हम कौन सा पढ़ते हैं भाई, हम पढ़ते हैं इंडिपेंडेंट, हम पढ़ते हैं नॉन इंटरैक्टिंग या फिर इंडिपेंडेंट पार्टिकल, मेकिंग इट वेरी पावरफुल फॉर रियलिस्टिक थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स, रियलिस्टिक थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स, जो रियल थर्मोडायनेमिक सिस्टम होते हैं उनके लिए एक पावरफुल टूल है, उनकी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी निकालने के लिए जो ये वाली अप्रोच है वो बहुत पावरफुल अप्रोच है। बट दिस मेथड ओनली अप्रिशिएट बाय दोज हु ऑलवेज नोन द स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स, बट जो गिब्स वाला मेथड है ना वो उन्हीं लोगों को समझ में आता है जिनको पहले से थर्मोडायनेमिक्स की नॉलेज है। आगे लिखता है अनदर मेथड इज बोल्ट्जमैन मेथड, एक और मेथड है, कौन सा भाई, बोल्ट्जमैन मेथड, अनदर मेथड इज
बोल्ट्जमैन मेथड विच परस्यूम सुटेबल फॉर द आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ इंडिपेंडेंट पार्टिकल। ये वाला बोल्ट्जमैन वाला किसके लिए है भाई? ये वाला केवल इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स के लिए है, डिपेंडेंट के लिए नहीं है। और हम कौन सा पढ़ते हैं? हम वो वाला पढ़ रहे हैं जो डिपेंडेंट पे भी लगता है और इंडिपेंडेंट पे भी लगता है। हम पढ़ रहे हैं भाई एंसेंबल हाइपोथेसिस। एंसेंबल क्या होता है? तो छोटी सी बात है भाई, छोटी सी बात है। एंसेंबल क्या होते हैं? इट इज डिफाइंड एज द लार्ज कलेक्शन ऑफ आइडेंटिकल यूनिट्स और रेप्लिकास। एक जैसी यूनिट्स की लार्ज कलेक्शन को क्या कहा जाता है? एंसेंबल कहा जाता है। और रेप्लिकास ऑफ ए सिस्टम, एक सिस्टम की एक जैसी चीजों को एक जगह रख देते हैं, उसको क्या कहते हैं? एंसेंबल कहते हैं। इट प्रोवाइड ए थ्योरेटिकल कंसेप्ट बाय विच माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर कैन बी रिलेटेड टू कॉरस्पॉन्डिंग थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। ये एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, एक थ्योरेटिकल तरीका है। किस किस का भाई, किस किस को रिलेट करता है? ये एक थ्योरेटिकल वे है या फिर थ्योरेटिकल तरीका है या फिर एक प्रोसेस है जिससे हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को किससे रिलेट कर देते हैं? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज से रिलेट कर देते हैं। भाई आगे बढ़ता हूं, आगे लिखता है एग्जांपल। वन मोल ऑफ वाटर कैन बी विजन एज, एक मोल वाटर को इस तरीके से देखा जा सकता है एज एन एंसेंबल ऑफ एवोगाड्रो नंबर ऑफ आइडेंटिकल यूनिट्स ऑफ वाटर। एक मोल वाटर को क्या लिखा जा सकता है? एक मोल वाटर को एक एंसेंबल कहा जा सकता है जिसमें कितने मोलिक्यूल हैं? एवोगाड्रो के बराबर क्या है भाई? मोलिक्यूल हैं। एक जैसे मोलिक्यूल, सिस्टम का एक जैसा हिस्सा एक जगह कर देना, ठीक है, और उसको फिर छोटे हिस्सों में पढ़ लेना, उसको क्या कहा जाता है भाई? उसको कहते हैं एंसेंबल कहते हैं। देखो भाई मोलिक्यूल्स, एवरेज वैल्यू फॉर ए प्रॉपर्टी ऑफ द एंसेंबल कोरस्पॉन्डिंग टू टाइम एवरेज वैल्यू फॉर द माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। यह कहता है द एवरेज वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द एंसेंबल, जो एंसेंबल की एवरेज वैल्यू होगी, मान लो जो एंसेंबल का एवरेज वैल्यू ऑफ टेम्परेचर होगा या फिर एवरेज एनर्जी होगी, वही एवरेज किसकी होगी भाई? वही एवरेज पूरे के पूरे सिस्टम की भी होगी। वही एवरेज किसकी होगी भाई? वही पूरे के पूरे सिस्टम की भी होगी। आगे बढ़ता है और पोस्टलेट ऑफ स्टेटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। पोस्टलेट्स ऑफ स्टेटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स, स्टेटिस्टिकल का पोस्टलेट है, पोस्टलेट्स ऑफ स्टेटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स दो पोस्टलेट पे काम करती है भाई। मैंने शुरुआत में बताया, पहला कौन सा भाई? पहला काम करती है एंसेंबल के ऊपर, पहला काम करती है एंसेंबल के ऊपर। पहला पोस्टलेट कौन है भाई? एंसेंबल हाइपोथेसिस। ये क्या कहता है? द टाइम एवरेज ऑफ सिस्टम थर्मोडायनेमिक वेरिएबल इज इक्वल टू इट्स एंसेंबल एवरेज। जो सिस्टम के थर्मोडायनेमिक वेरिएबल है, मान लो जो 10 मोल वाटर का की एंथैल्पी होगी, जो 10 मोल वाटर की एवरेज एंथैल्पी होगी, वही एवरेज एंथैल्पी एक मोल एंसेंबल की भी होगी। वही एवरेज एंथैल्पी किसकी होगी भाई? एक मोल वाटर के एंसेंबल की भी होगी, ठीक है। ये लिखते हैं द टाइम एवरेज ऑफ सिस्टम थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, जो सिस्टम के थर्मोडायनेमिक वेरिएबल है उनका टाइम एवरेज, उनकी एवरेज वैल्यू बराबर होगी किसके? एंसेंबल के। मीन्स एनी थर्मोडायनेमिक वेरिएबल करेक्टराइजिंग एन आइसोलेटेड सिस्टम, कोई भी थर्मोडायनेमिक वेरिएबल जो किसी आइसोलेटेड सिस्टम को करेक्टराइज करता है या फिर उसके बारे में बताता है, कैन बी इवेल्यूएटेड बाय सुटेबल एवरेजिंग ओवर ऑल द पॉसिबल माइक्रोस्टेट्स। किसी भी थर्मोडायनेमिक वेरिएबल की वैल्यू को निकाला जा सकता है सभी के सभी माइक्रोस्टेट की के लिए एवरेज वैल्यू निकालकर, उसकी एवरेज वैल्यू निकालकर। आगे लिखता है और ऑल द पॉसिबल फिजिबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल अमंग द एनर्जी स्टेट। ये कहता है भाई जैसे एक एंसेंबल हमारे पास आ गई, एक एंसेंबल हमारे पास आ गई वन मोल वाटर की, उसमें कितने वाटर के मोलिक्यूल है? एवोगाड्रो नंबर ऑफ वाटर मोलिक्यूल है। अब वो वाटर मोलिक्यूल मुझे अलग अलग एनर्जी लेवल में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो ये क्या कहता है? उस एंसेंबल में जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, हमें हर एक डिस्ट्रीब्यूशन कंसिडर करते हुए चलना है, हर एक डिस्ट्रीब्यूशन कंसिडर करते हुए चलना है। जैसे डब्ल्यू की वैल्यू पीछे निकाली थी वो वाली, ठीक है, अमंग द ऑल एनर्जी स्टेट। और जब हर सभी एनर्जी स्टेट के लिए एवरेज वैल्यू निकाल लेंगे तो वही किसकी वैल्यू होगी भाई? वही ओवरऑल एवरेज वैल्यू होगी। लास्ट वाला कहता है इक्वल प्रोबेबिलिटी और प्रायरी प्रोबेबिलिटी। ये कहना चाहता है फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द नंबर ऑफ एंसेंबल आर डिस्ट्रीब्यूटेड विद इक्वल प्रोबेबिलिटी। द नंबर रिमेंबर है भाई, द मेंबर ऑफ एंसेंबल आर, देखो भाई मान लो एक मोल वाटर है भाई, एक मोल वाटर है, ठीक है, उसके अंदर जितनी भी माइक्रोस्टेट होंगी सभी के एग्जिस्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? बराबर होगी। फिर मैं ऐसा कह दूं, जो मोस्ट प्रोबेबल माइक्रोस्टेट होगी, ध्यान से सुनना, जो मोस्ट प्रोबेबल माइक्रोस्टेट होगी
उसके अंदर जितनी भी माइक्रो स्टेट होंगी हर एक की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बराबर होगी। हर एक की प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई, बराबर होगी। मोस्ट प्रोबेबल माइक्रो स्टेट में जितनी भी माइक्रो स्टेट होंगी हर एक की प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई, बराबर होगी। हर एक की प्रोबेबिलिटी बराबर होगी, ये लिखना चाहता है। एंसेम्बल क्या कहता है, स्मॉलर सेट ऑफ द पॉसिबिलिटीज। एंसेम्बल होता क्या है भाई, स्मॉलर सेट ऑफ पॉसिबिलिटीज। इतने छोटे से डेफिनेशन में भी उसको डिफाइन कर सकता हूं, स्मॉलर सेट ऑफ पॉसिबिलिटीज। ये था भाई, बेसिकली कुछ नहीं है, एक बहुत बड़े सिस्टम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना है और उस छोटे छोटे हिस्से में मॉलिक्यूल्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखना है। दैट्स इट, दैट्स इट। बोलो भाई, देखो भाई, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंसेम्बल्स जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। पीछे वाला इतना वो थ्योरी थी भाई, वो एंसेम्बल के बारे में बता था, जो इंपॉर्टेंट बात है वो यहाँ पर जहाँ से क्वेश्चन आता है। टाइप्स ऑफ एंसेम्बल, टाइप्स ऑफ एंसेम्बल या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ एंसेम्बल, क्लासिफिकेशन ऑफ एंसेम्बल, क्लासिफिकेशन ऑफ एंसेम्बल्स। देखो भाई, एंसेम्बल को क्लासिफाई किया जाता है किस बेस के ऊपर, कि कैसे उसके मेंबर बाहर की सराउंडिंग से क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। बाहर की सराउंडिंग से क्या करते हैं भाई, इंटरेक्ट करते हैं। एंसेम्बल्स आर क्लासिफाइड, एंसेम्बल आर क्लासिफाइड, क्लासिफाइड ऑन द बेसिस, ऑन द ग्राउंड दैट how their members interact with the surroundings, interact with the surroundings। सबसे पहला हमारे पास आता है माइक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल, माइक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल भाई, बहुत बहुत सिंपल है, जो बताऊंगा बस वही याद करना है, ज्यादा कुछ भी याद नहीं करना है। बस कंफ्यूज नहीं होना, नाम से कंफ्यूज नहीं होना भाई। माइक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल एक ऐसा एंसेम्बल जो बाहर की दुनिया से कंप्लीटली आइसोलेटेड हो। द एंसेम्बल, एंसेम्बल विच इज कंप्लीटली आइसोलेटेड from outside system, outside surroundings, having constant energy p, constant number of particle enclosed in a volume, in a constant volume b। क्या क्या कॉन्स्टेंट बोला भाई, n कॉन्स्टेंट, v कॉन्स्टेंट, e कॉन्स्टेंट, ये सारे के सारे क्या हैं भाई, एक्सटेंसिव वेरिएबल हैं। ये क्या हैं भाई, एक्सटेंसिव वेरिएबल हैं, जिनकी प्रॉपर्टी साइज पे या कंटेंट पे डिपेंड करती है, ठीक है। और एनवीई कांस्टेंट है, नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज नहीं हो सकते, एनर्जी भी एक्सचेंज नहीं हो सकती, एनर्जी भी कांस्टेंट, नंबर भी कांस्टेंट, कांस्टेंट। तो ये वाला जो एंसेम्बल है, इट कोरिलेट विद, इट कोरिलेट विद आइसोलेटेड सिस्टम, सिस्टम इन
थर्मोडायनेमिक्स। आइसोलेटेड सिस्टम को पढ़ना होगा तो आपको इस तरीके का एंसेम्बल जनरेट करना होगा। देखो मैं आपको बना के दिखाता हूं एंसेम्बल। देखो भाई, देखो एक बार यहां पर देखिए, बल्कि कलर चेंज करना पड़ेगा मुझे। देखो भाई, ठीक है, इसके बाद एक और बाउंड्री लगा देता हूं इसके चारों ओर। ठीक है भाई, देखो भाई, ठीक है, ये मैंने एक सिस्टम बना दिया जो पूर्व बाहर के सराउंडिंग से कंप्लीटली आइसोलेटेड है। अगर मैंने दो दीवारें बनाई हैं, तो मतलब ना तो मैं एनर्जी का एक्सचेंज बाहर से, ना किसका मैटर का एक्सचेंज, ना ही किसका भाई मैटर का एक्सचेंज। ठीक है, ना तो एनर्जी का एक्सचेंज है और ना ही मैटर का एक्सचेंज। ठीक है, अंदर भी दो दो दीवारें बना रहा हूं मैं, अंदर भी दो दो दीवारें बन रही हैं। ये रही। इसे कहते हैं देखो, n कांस्टेंट v कांस्टेंट e कांस्टेंट n कांस्टेंट v कांस्टेंट e कांस्टेंट n कांस्टेंट v e n v e n v e n v e n v e n v e और e। दो दीवारों का मतलब है ना तो मैटर का एक्सचेंज, ना ही किसका एक्सचेंज भाई, ना ही एनर्जी का एक्सचेंज, ना तो मैटर का एक्सचेंज और ना ही किसका भी एनर्जी का एक्सचेंज। ये क्या है भाई, ये 9 एंसेंबल्स हैं। और ये किसके लिए हैं भाई, अगर आपको किसी भी थर्मोडायनेमिक आइसोलेटेड सिस्टम की क्या निकालनी है, आपको कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी निकालनी है, तो वो आपको इस तरीके से डिवाइड करना पड़ेगा। हम क्या निकालना चाहते हैं, थर्मोडायनेमिक की प्रॉपर्टी निकालना चाहते हैं। अब थर्मोडायनेमिक की प्रॉपर्टी निकालने के लिए थर्मो में हमारे पास तीन सिस्टम होते हैं, आइसोलेटेड, क्लोज्ड एंड ओपन, आइसोलेटेड, क्लोज्ड एंड ओपन। तो एक तरीके के एंसेंबल तो चाहिए होंगे आइसोलेटेड के लिए, एक तरीके के सिस्टम किसके लिए चाहिए होंगे, एक थ्योरी किसके लिए चाहिए होगी, ओपन के लिए, किसके लिए चाहिए होगी, क्लोज्ड के लिए। ये तो किसके लिए आ गई भाई, ये आ गई किसके लिए, ये आ गई आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। किसके लिए आ गई थ्योरी भाई, आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। कितने देखो, ये एक एंसेंबल है, ये वाले एक एंसेंबल है, ये भी एक एंसेंबल है, ये भी क्या है, एक एंसेंबल है, ये सारी क्या है, एंसेंबल है। क्लियर होगी बात। पेपर वाला क्या पूछेगा सवाल, सवाल पूछेगा कि माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल में क्या क्या कॉन्स्टेंट होता है, माइक्रो कैनोनिकल में क्या क्या कॉन्स्टेंट होता है, आपको लगाना है एनवी और ई। सिंपल इतना क्वेश्चन आपसे पूछेगा। दूसरा आता आपके पास कैनोनिकल एंसेंबल। इट रिजेंबल्स विद क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम इन थर्मोडायनेमिक्स। क्लोज्ड सिस्टम इन थर्मोडायनेमिक्स, ये किससे रिप्रेजेंट करती है भाई, क्लोज्ड सिस्टम को रिप्रेजेंट करती है, क्लोज्ड को रिप्रेजेंट करती है। देखो भाई, क्लोज सिस्टम, एक लाइन ऐसे खींचता हूं भाई, एक लाइन में फिर देखो भाई, एक लाइन यहां पर, Thank you.
देखो भाई इसी तरीके से एक लाइन यहां पर, ठीक है, एक लाइन यहां पर, ठीक है, और एक लाइन यहां पर, ठीक है। अब देखो भाई, अब देखना, अब देखो एक लाइन और ये दूसरी लाइन, एक लाइन और ये दूसरी लाइन। देखो भाई सिंगल सिंगल लाइनों का मतलब यहां पर है, इसमें क्या होगा भाई, द एंसेंबल इन विच एन वी टी आर कॉन्स्टेंट, एन वी टी आर कॉन्स्टेंट, एन वी टी आर कॉन्स्टेंट, एनर्जी कॉन्स्टेंट नहीं है भाई, एनर्जी क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है, एन वी टी कॉन्स्टेंट, एन वी टी कॉन्स्टेंट, एन वी टी कॉन्स्टेंट, एन वी टी कॉन्स्टेंट। एनर्जी क्या हो सकती है भाई, आपस में एक्सचेंज हो सकती है, एनर्जी क्या हो सकती है, आपस में एक्सचेंज हो सकती है। सिंगल वॉल का मतलब है कि मैटर तो नहीं जाएगा पर एनर्जी क्या हो जाएगी, एक्सचेंज। डबल वॉल का मतलब है ना तो मैटर और ना ही क्या होगी भाई, एनर्जी एक्सचेंज होगी, ठीक है। और यहां पर एन वी तो कैसी प्रॉपर्टी है भाई, एन और वी तो है एक्सटेंसिव, एन और वी तो कैसी है भाई, एक्सटेंसिव। और टेम्परेचर कैसा है भाई, इंटेंसिव। ये किसके लिए आ गया भाई, कैनोनिकल एंसेंबल। नंबर तीन आती है हमारे पास, नंबर तीन ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल, ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल, ठीक है। ये किसको रिजेंबल करती है भाई, ओपन सिस्टम को रिजेंबल करती है, ओपन सिस्टम्स इन थर्मोडायनेमिक्स, ओपन सिस्टम्स इन थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है भाई। देखो यहां पर, देखो भाई देखो, फिर से बनाता हूं और इसमें क्या क्या फिक्स होता है, आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि किसमें एक्सटेंसिव किसमें इंटेंसिव फिक्स होते हैं, या फिर ग्रैंड कैनोनिकल में क्या क्या फिक्स और कैनोनिकल में कौन सा, माइक्रो कैनोनिकल कैनोनिकल में कौन सा फिक्स है। देखो भाई ठीक है, लो ठीक है, ये पूरा सिस्टम बाहर से कंप्लीटली क्या हो गया, आइसोलेट हो गया। अब देखना भाई, अब देखो अंदर से रिप्रेजेंट करता हूं मैं, अंदर से रिप्रेजेंट करता हूं, एक सेकंड रुकना, ये देखो भाई अंदर है क्या भाई, डॉटेड लाइन, मतलब मैटर भी एक्सचेंज और एनर्जी भी क्या हो सकती है, एक्सचेंज हो सकती है। डॉटेड लाइन का मतलब क्या है भाई, मैटर और एनर्जी दोनों क्या हो सकते हैं, एक्सचेंज हो सकते हैं, दोनों क्या होंगे, एक्सचेंज। कॉन्स्टेंट कौन रहेगा, म्यू वी टी, म्यू वी टी, म्यू वी टी, केमिकल पोटेंशियल वॉल्यूम और टेम्परेचर, केमिकल पोटेंशियल वॉल्यूम और टेम्परेचर, केमिकल पोटेंशियल वॉल्यूम टेम्परेचर, केमिकल पोटेंशियल वॉल्यूम टेम्परेचर, केमिकल पोटेंशियल वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ये क्या है भाई, ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल, ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल। देख लो भाई ये होती है एंसेंबल, ये होती है क्या, एंसेंबल। टीफर में बहुत बार क्वेश्चन आया है, गेट में क्वेश्चन आया है दो तीन बार, नेट में तीन चार बार क्वेश्चन आया है, बस कितनी सी बात पूछता आपसे, आपसे इतना सा ही पूछता बेचारा कि ये कौन से तरीके की एंसेंबल है, या फिर इस एंसेंबल में क्या क्या फिक्स होता है। प्लीज देख लो भाई, डाउट है तो पूछ लो, मेरे ख्याल से एंसेंबल क्लियर हुआ होगा आपको।
बोलो भी डाउट है तो। बोलो। बोलो भाई फटाफट बोलिए क्या हो गया। ठीक है भाई बाकी बोलो फटाफट। इसके बाद हम पढ़ते हैं पार्टीशन फंक्शन के बारे में, फिर एक बार ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल, रोटेशनल और इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन, फिर स्टेट थर्मो हो जाएगी खत्म। बस इतना ही है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। बोलो भाई आगे बढ़ते हैं भाई। अब मैं बात करता हूँ किसके बारे में, अब मैं बात करता हूँ पार्टीशन फंक्शन के बारे में। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट भाई, अब आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। देखो कैसे पार्टीशन फंक्शन, पार्टीशन फंक्शन, पार्टीशन फंक्शन क्या लिखा हमने पार्टीशन फंक्शन। देखो भाई देखो, एक पहले तो लिखना सीखो। क्यू इज इक्वल टू समेशन ई की पावर माइनस ई आई बाई के टी। जब बात किस में हो रही हो, स्टेट्स में बात हो रही हो, जब डीजनरेसी ना हो, स्टेट में डीजनरेसी नहीं होती, मतलब एक स्टेट में और स्टेट नहीं होती, लेवल में क्या होती है स्टेट होती है। और जब क्यू को लिखूंगा मैं समेशन लेवल्स, सभी लेवल्स का सम, जी आई ई की पावर माइनस ई आई बाई के टी, ई आई बाई के टी। ध्यान से देखो भाई, ध्यान से देखो, इसकी फीचर्स की बात करते हैं। फीचर इसको तो बोल दिया सिंपल पार्टीशन फंक्शन, कहां से आया है, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से आया है। अब बात करते हैं इसकी फीचर्स के बारे में, फीचर्स के बारे में। देखो भाई पहली फीचर मैं लिखता हूं क्यू इज इक्वल टू समेशन जी आई ई की पावर माइनस ई आई बाई के टी। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये ऊपर वाले जो टर्म है ये रिप्रेजेंट करती है क्वांटम या फिर क्वांटाइज्ड या फिर क्वांटम मैकेनिकल एनर्जी को, क्वांटम मैकेनिकल एनर्जी, बल्कि मैं बोलूं क्वांटाइज्ड एनर्जी, क्वांटम मैकेनिकल टर्म है कल, एनर्जी कह लो या फिर क्या कह लो भाई, टर्म कह लो, एनर्जी और टर्म। ठीक है, जो केटी है ये क्या है भाई, केटी इज द थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी। मतलब पार्टीशन फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है, एक ऐसा रिलेशन है जो अपने अंदर दोनों ही चीजों को लिए हुए है, एक जो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के लिए है, दूसरी जो मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के लिए है। क्या कहता हूं, इट इज सो इंपॉर्टेंट, इट इज सो इंपॉर्टेंट दैट दैट इट कंटेन्स, इट कंटेन्स बोथ बोथ टर्म्स, दैट इज क्वांटम मैकेनिकल टर्म एंड थर्मोडायनेमिक टर्म।
क्वांटम मैकेनिकल टर्म एंड थर्मोडायनेमिक टर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसके बराबर है भाई? ये क्वांटम मैकेनिकल और थर्मोडायनेमिक टर्म दोनों के ही बराबर है। ये दोनों के ही क्या है? बराबर है। ठीक है भाई, ठीक है। इट कनेक्ट क्वांटाइज्ड एनर्जी विद थर्मल एनर्जी। दूसरा ये और क्या बताता है? इट डिस्क्राइब द मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। Among the variable energy states, ये क्या बताता है भाई? ये आपको बताता है कि किस तरीके से पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट हैं अलग अलग एनर्जी स्टेट के अंदर। इस एक्सप्रेशन से कि कैसा डिस्ट्रीब्यूशन पार्टिकल्स का है अलग अलग एनर्जी लेवल्स के अंदर, वो आपको इस फॉर्मूले से पता लग जाता है। ठीक है भाई। तीसरा देखो, इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं भाई। Ni क्या होता है? Gi की पावर माइनस Ci बाय KT। कैसे पार्टिकल एनर्जी लेवल में क्या है भाई? डिस्ट्रीब्यूटेड है। वो आपको कौन बताता है? पार्टीशन फंक्शन बताता है। नेक्स्ट क्या है भाई? पार्टीशन फंक्शन को डिफाइन कैसे कर सकता हूँ? क्या है पार्टीशन फंक्शन, कैसे मैं डिफाइन कर सकता हूँ? देखो भाई, फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स पार्टिकल इन द आइथ स्टेट में फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल, या फिर क्या कह दूं, और प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल टू एग्जिस्ट इन आइथ स्टेट इज गिवन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन द आइथ स्टेट, या फिर फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल इन द आइथ स्टेट इज गिवन एज। कैसे दे सकता हूं भाई? Pi इज इक्वल टू Ni बाय N। ठीक है, Ni क्या होता है भाई? ये क्या होता है? अरे यही तो होगा ना। आइथ स्टेट में तो Ni, और टोटल क्या है भाई? Ni क्या है? पार्टिकल इन आइथ स्टेट। और N क्या है भाई? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल। ठीक है, तो क्या लिखूंगा यहां से? देखो, Pi इज इक्वल टू Ni बाय N। ये क्या होता है भाई? Ni बाय समेशन Ni इज इक्वल टू Gi e की पावर माइनस Ei बाय KT डिवाइड बाय Gi e की पावर माइनस Ei बाय KT। ठीक है भाई, अगर एक बार के लिए डीजेनेसी को छोड़ दूं तो क्या लिख सकता हूं? ऐसा लिख सकता हूं, अगर डीजेनेसी को कंसीडर ना करो, आपको समझाने के लिए, बस आपको समझाने के लिए कर रहा हूं बस ऐसा, ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, सीधा समेशन लगाता हूं यहां पर। यहां तो आएगा ही नहीं भाई, क्यों लगा दिया? इस तरीके से आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा भाई? Pi इज इक्वल टू Ni बाय N इज इक्वल टू e की पावर माइनस Ei बाय KT डिवाइड बाय पार्टीशन फंक्शन या फिर Ni बाय क्यू। बोलो भाई यहां से। देखो
इन ग्राउंड स्टेट। देखो भाई एक बात ध्यान रखना भाई, जो क्वांटम मैकेनिक्स है, जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो ग्राउंड स्टेट एनर्जी को जीरो मानकर नहीं चलती, लेकिन जो थर्मोडायनेमिक्स है वो जीरो पॉइंट एनर्जी को क्या मानकर चलती है, जीरो मानकर चलती है। और हम क्या पढ़ रहे हैं, स्टेटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। यहां पर ग्राउंड स्टेट को क्या मानना होगा, जीरो। E0 इज इक्वल टू जीरो और डी जनरेसी भी क्या होती है ग्राउंड में, वन होती है। तो ये क्या बन जाएगा, फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल इन द ग्राउंड स्टेट इज इक्वल टू एन नॉट बाय क्यू इज इक्वल टू ई की पावर माइनस जीरो बाय के टी डिवाइड बाय क्यू एन नॉट बाय एन। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ई की पावर जीरो वन आ जाएगा। यहां से पता लगेगा मुझे Q इज इक्वल टू क्यू वन बाय क्यू इज इक्वल टू एन नॉट बाय एन इज इक्वल टू पी नॉट। यही बन जाएगा भाई यहां से और क्या बन जाएगा, Q इज इक्वल टू एन बाय एन नॉट इज इक्वल टू वन बाय पी नॉट। और पी नॉट क्या है भाई, पी नॉट है फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल इन द ग्राउंड स्टेट, फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल इन द ग्राउंड स्टेट। इस वाले फॉर्मूला को हल्के में मत लेना भाई, क्वेश्चन आता है यहां से और पता भी नहीं चलता यहां से क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन आता है और पता भी नहीं चलता कि यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। पहली बात तो यहां जाते हैं भाई, यहां जाते हैं। दिस इंप्लाइज पार्टीशन फंक्शन इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ पार्टीशन फंक्शन इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स इन ग्राउंड स्टेट, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल इन द ग्राउंड स्टेट। और पार्टीशन फंक्शन इज इक्वल टू रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द ग्राउंड स्टेट, टू द नंबर ऑफ पार्टिकल इन द ग्राउंड स्टेट, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल इन द ग्राउंड स्टेट। पूछो भाई, किसी को डाउट है तो यहां तक पूछ लीजिए भाई। पानी पी लेता हूं मैं। बोलो भाई,
तुम लोग मैसेज करते नहीं है, मेरे पास पहुंचते ही लेट है, क्या चक्कर है? कितनी प्रॉपर्टी हो गई भाई? प्रॉपर्टी हो गई तीन, तीन और बची है, बस हो गया खत्म। बोलिए भाई, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। फिर ठीक है भाई, मत बोलो, मेरे को तो खत्म करके निकलना है। ठीक है भाई, देखो, इट इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी, दैट इज इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, क्या डायमेंशन लेस है, दैट इज इट इज प्योरली ए नंबर। ये क्या है, एक नंबर है। देखो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा Q इज इक्वल टू समेशन जी आई ई की पावर माइनस ई आई बाय की टी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहां पर डी जनरेसी क्या होती है, एक नंबर, ये क्या है, नंबर है। ठीक है, और ये क्या है भाई, एनर्जी बाय एनर्जी, ये भी क्या है, नंबर है। ओवरऑल क्या होगा भाई, नंबर गुणा नंबर क्या आएगा, नंबर ही आएगा, ये क्या हो जाएगा, डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस। ये क्या है भाई, डायमेंशनलेस क्या है भाई, डायमेंशनलेस क्या है, डायमेंशनलेस। बोलो बोलो बोलो, ये थी नंबर चार, ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। सही है, नंबर पांच भाई। ठीक है भाई, मत बोलो, नंबर पांच, नंबर पांच, नंबर पांच कहता है ये कभी भी जीरो के बराबर नहीं होता, ये कभी भी जीरो के बराबर नहीं होता, ये कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगी। क्या लिखता हूं, इट विल नेवर बी इक्वल जीरो, इट्स लोवेस्ट वैल्यू, इज इक्वल टू, इट्स लोवेस्ट वैल्यू इज इक्वल टू डी जनरेसी ग्राउंड स्टेट, इट्स लोवेस्ट पॉसिबल वैल्यू इज इक्वल टू डी जनरेसी ऑफ द ग्राउंड स्टेट्स। ये कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा, इसकी लोवेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या होगी भाई, ग्राउंड स्टेट की डीजनरेसी के बराबर होगी। ग्राउंड स्टेट की किसके बराबर होगी भाई, डीजनरेसी के बराबर होगी, किसके बराबर होगी भाई, डीजनरेसी के बराबर। देखो भाई कैसे, देखो मैं लिखता हूं, मैं लिखता हूं क्यू इज इक्वल टू समेशन आई जी आई ई की पावर माइनस ई आई बाय, सही है, तो क्यू क्या होगा भाई, जी नॉट ई की पावर माइनस ई नॉट बाय के प्लस जी वन ई की पावर माइनस ई वन बाय प्लस जी टू ई की पावर माइनस ई टू बाय एंड सो ऑन। ठीक है भाई, एज वी नो G नॉट फॉर ग्राउंड स्टेट इज इक्वल टू वन, ग्राउंड स्टेट की डीजनरेसी हमेशा क्या होगी, वन, और ग्राउंड स्टेट की एनर्जी भी क्या मानकर चलते हैं, स्टेट में जीरो मानकर चलते हैं, तो Q क्या होगा भाई, वन इंटू ई की पावर माइनस जीरो बाय के टी प्लस जी वन इंटू ई की पावर माइनस ई वन बाय के टी प्लस जी टू इंटू ई की पावर माइनस ई टू बाय के टी एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ये क्या बन जाएगा, Q इज इक्वल टू वन
प्लस जी वन ई की पावर माइनस ई वन बाय के टी प्लस जी टू ई की पावर माइनस ई टू बाय के टी एंड सो फोर्थ, इक्वेशन नंबर वन। ठीक है, जब टेम्प ये क्या आपको पता था क्या रियलिटी में कि कैसे पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूटेड हैं अलग अलग एनर्जी लेवल्स के अंदर, मतलब टेम्परेचर के चेंज होने से नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। देखो यहाँ पर क्या टेम्परेचर भी है, तो क्या लिखूंगा, एज टेम्परेचर टेंड्स टू जीरो, जब टेम्परेचर जीरो चला जाएगा, जब टेम्परेचर जीरो चला जाएगा तो क्या होगा भाई, क्यू इज इक्वल टू वन प्लस जी वन ई की पावर माइनस ई वन बाय जीरो प्लस जी टू ई की पावर माइनस ई टू बाय जीरो, ई की पावर माइनस ई टू बाय इट्स। देखो भाई क्यू इज इक्वल टू वन प्लस जी वन ई की पावर माइनस इन्फिनिटी जी टू ई की पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो, क्यू किसके बराबर आ जाएगा भाई, वन के बराबर, क्यों किसके बराबर आ जाएगा भाई, वन के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्यू की वैल्यू जीरो नहीं आ सकती, सबसे छोटी वैल्यू क्या आ सकती है, वन आ सकती है। क्यू की वैल्यू वन आने का मतलब क्या है, क्यू की वैल्यू वन आने का मतलब क्या है कि एट एब्सोल्यूट जीरो, एट दिस इंप्लाइज एट एब्सोल्यूट जीरो क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू इज इक्वल टू वन, दैट इज या फिर इट मीन्स ओनली ग्राउंड स्टेट इज एक्सेसिबल टू पार्टिकल्स, केवल ग्राउंड स्टेट ही क्या है पार्टिकल के लिए एक्सेसिबल है, उससे ऊपर वाली स्टेट एक्सेसिबल नहीं है, उससे ऊपर वाली स्टेट एक्सेसिबल नहीं है। ठीक है भाई, एक और बात, एज टेम्परेचर टेंड्स टू इन्फिनिटी, एज टेम्परेचर टेंड्स टू इन्फिनिटी फ्रॉम वन क्यू इज इक्वल टू वन प्लस जी वन ई की पावर माइनस ई बाय इन्फिनिटी प्लस जी टू ई की पावर माइनस ई वन था बाय इन्फिनिटी एंड सो ऑन। क्यू इज इक्वल टू वन प्लस वन की जगह जी नोट लिख लूं, लो जी नोट लिख देता हूं भाई, जी नोट लिख देता हूं। ठीक है, जी नोट ही लिख देता हूं, ये है वन और ये है टू, जी नोट यहां पर भी समथिंग और इन्फिनिटी जीरो ई की पावर माइनस जीरो वन प्लस जी वन प्लस जी टू एंड सो ये आगे पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू। तो क्यों क्या कह सकता हूं, दिस इंप्लाइज क्यू इज इक्वल टू जी नोट जी वन जी टू एंड सो, क्यू इज इक्वल टू समेशन जी आई। तो हाईएस्ट वैल्यू किसके बराबर चली गई भाई, सभी स्टेट की डी जनरेसी के सम के बराबर चली गई। तो मैं इसका मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज इट मींस एट हाई टेम्परेचर ऑल द स्टेट्स आर एक्सेसिबल टू द पार्टिकल्स, ऑल द स्टेट्स आर एक्सेसिबल टू द पार्टिकल्स। हाई टेम्परेचर के ऊपर सारी ही स्टेट क्या होंगी भाई, एक्सेसिबल होंगी, सारी स्टेट क्या होंगी भाई, एक्सेसिबल होंगी। किसी को डाउट है तो पूछ लो भाई, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूं नंबर छह पर चलता हूं, कौन से हो गए भाई, नंबर पांच, हाँ छह पर चलता हूं भाई।
ठीक है देखो देखो भाई नंबर छह देखो खास बात देखो भाई अगर मैं लो टेम्परेचर की बात करूं एट लो टेम्परेचर मैंने बताया था ना कि एट लो टेम्परेचर Q इज इक्वल टू डी जनरेसी ऑफ द ग्राउंड स्टेट वहां डी जनरेसी हम लोगों ने क्या मानी थी भाई वहां हमने वन मान ली थी अगर मैं यहां पर डी जनरेसी को वन ना मानता वैसे तो कुछ भी हो सकती है लेकिन जनरली अगर इसको मैं जी नोट ही छोड़ देता जी नोट ही छोड़ देता तो यहां पर भी क्या बचता जी नोट यहां पर भी क्या आ जाता जी नोट और ये भी क्या आ जाता भाई ये भी किसके बराबर आ जाता भाई जी नोट के बराबर आ जाता किसके बराबर आ जाता जी नोट ही ठीक है वैसे वन आएगा अगर देखोगे तो वन आएगा हाइड्रोजन एटम को छोड़कर सबके लिए वन आएगा देखो भाई क्यू इज इक्वल टू जी नोट जब टेम्परेचर कम है तो पार्टीशन फंक्शन ग्राउंड स्टेट की डीजनरेसी के बराबर है इसका मतलब क्या इट मीन्स ऑल द मॉलिक्यूल्स वर प्रेजेंट इन ग्राउंड स्टेट इसका मतलब सारे ही मॉलिक्यूल कहां प्रेजेंट है भाई ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट है और एट हाई टेम्परेचर Q is equal to summation of GI, इसका मतलब it means only small fraction of molecule, present in ground state. केवल कुछ ही फ्रैक्शन मॉलिक्यूल का किसमें है ग्राउंड स्टेट में है केवल कुछ ही फ्रैक्शन मॉलिक्यूल का किसमें है भाई ग्राउंड स्टेट में है सारा का सारा फ्रैक्शन सारे के सारे मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में नहीं है तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर पार्टिकल पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू छोटी है तो मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में है उनकी एनर्जी कम है अगर पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू बड़ी है तो मैं कह सकता हूं मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में क्या है बहुत कम है उनके ज्यादा टेंडेंसी कहां जाने की है बाहर जाने की है हायर स्टेट में जाने की है तो यहां पर क्या कह सकता हूं दिस इंप्लाइज पार्टीशन फंक्शन ऑल्सो डिस्क्राइब एस्केपिंग टेंडेंसी of particles from the ground state ये क्या रिप्रेजेंट करता है भाई आपको escaping tendency भी explain करता है किसकी भाई particles escaping tendency को भी explain करता है नंबर सात इट कैन बी एप्लीकेबल टू सिस्टम ऑफ एनी फिजिकल स्टेट यहां पर क्या है भाई चाहे वो डिपेंडेंट पार्टिकल हो चाहे वो कैसे पार्टिकल हो इंडिपेंडेंट पार्टिकल हो बट हेयर वी आर कंसिडरिंग नॉन इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स बट हम यहां क्या कंसीडर कर रहे हैं भाई हम यहां कंसीडर कर रहे हैं नॉन इंटरेक्टिंग इंडिपेंडेंट पार्टिकल ये इंटरेक्टिंग और डिपेंडेंट के ऊपर भी क्या करता है लागू होते हैं किसी भी के भी ऊपर लागू होती है बट यहां पर क्या मानकर चल रहे हैं भाई हम यहां मानकर चल रहे हैं नॉन इंटरेक्टिंग इंडिपेंडेंट पार्टिकल का सिस्टम मानकर चल रहे हैं ठीक है आगे बढ़ता हूं नंबर आठ बहुत सिंपल है तो जैसे क्वांटम में वेव फंक्शन मैंने क्यू क्या लिखा है e की पावर माइनस ई
बाय kt, ये लिखा मैंने पार्टीशन फंक्शन को e, ठीक है आई लिख दो यहां पर, चलो कोई बात नहीं। अब e किसके बराबर है भाई, e ट्रांसलेशनल प्लस e वाइब्रेशनल प्लस e रोटेशनल प्लस e इलेक्ट्रॉनिक, ऊपर रख दूंगा वैल्यू, ये आ जाएगा q इज इक्वल टू समेशन e की पावर माइनस e ट्रांसलेशनल प्लस e रोटेशनल प्लस e वाइब्रेशनल प्लस e इलेक्ट्रॉनिक डिवाइड बाय kt। ये तो क्वांटम मैकेनिकल कैलकुलेटेड एनर्जी है सारी की सारी। यहां से क्या आ जाएगा, q इज इक्वल टू समेशन e की पावर माइनस e ट्रांसलेशनल बाय kt समेशन e की पावर माइनस e रोटेशनल डिवाइड बाय kt समेशन e की पावर माइनस e इलेक्ट्रॉनिक बाय kt समेशन e की पावर माइनस e वाइब्रेशनल बाय kt। ये आ जाएगा q इज इक्वल टू, ये क्या है भाई, ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन इंटू क्यू रोटेशनल इंटू क्यू इलेक्ट्रॉनिक इंटू क्यू वाइब्रेशनल, दिस विल बी द टोटल पार्टीशन फंक्शन, इट इज मल्टीप्लीकेटिव इन नेचर, इट इज मल्टीप्लीकेटिव इन नेचर। बोलो भाई, और ज्यादा हो जाए तो बता देना आज, मुझे पता ज्यादा हो जाएगा आज, ज्यादा हो जाए तो बता देना। बोलो भाई बोलो, बोलो भाई। एक इम्पोर्टेंट बात बतानी है अभी मुझे आपको, मुझे आपको एक और बात बतानी है, यहाँ पर फटाफट जवाब दो फिर आगे बढ़ता हूँ मैं, बस एक प्रॉपर्टी हो रहेगी फिर खत्म करते हैं क्लास को, ज्यादा हो गया आज। आप जितना मैं पढ़ाऊंगा ना बस उतना पढ़ लेना, पेपर में आपके सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, सब के सब सोल्व हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जितना भी कंसेप्ट आपको पढ़ाया जाएगा उससे ही सवाल आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। देखो भाई, अब हमने क्या देखा, देखो मैंने क्या पता कर लिया यहाँ से कि जो पार्टीशन फंक्शन है ना वो नेचर में कैसा है, मल्टीप्लीकेटिव है। अब मैंने क्या देखा, फोर फोर वन काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन पार्टिकल्स वी हैव क्यू, अगर एन पार्टिकल का एक तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर मैं एन पार्टिकल को एक तरह से अरेंज करता हूं तो मेरे पास पार्टीशन फंक्शन क्या है भाई, क्यू है। नाउ इफ एन पार्टिकल्स हैव n type of distribution, n type of distribution, अगर अब n particle का distribution कैसा है भाई, n तरीके का है, तो q को क्या लिख दूंगा मैं, then इसको लिख दूंगा capital Q, then capital Q is equal to q into q into q up to so on, कहां तक भाई, n times,
एक बार के लिए एक क्यू, दूसरे तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दो, तीसरे के लिए तीन, फिर चार, फिर पांच, फिर छह, फिर सात, फिर आठवां क्यू आ जाएगा। कितनी बार आ जाएगा भाई? जितनी बार डिस्ट्रीब्यूट किया है उतनी बार आ जाएगा। और इसको क्या लिख दूंगा, क्यू इज इक्वल टू क्यू की पावर एन, क्यू इज इक्वल टू क्यू की पावर एन। ये जो बड़े वाला क्यू है, जो बड़े वाला क्यू है, इसको कहते हैं कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन, कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन। और जो छोटे वाला, वो क्या होता है, मोलिक्यूलर पार्टीशन फंक्शन। और ये किसके लिए है भाई? ये डिस्टिंग्विशेबल के लिए, डिस्टिंग्विशेबल के लिए, ठीक है। और जब डिस्टिंग्विशेबिलिटी से इनडिस्टिंग्विशेबिलिटी में जाओगे, यहां लिखता हूं फॉर इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स, अगर जो n पार्टिकल हैं वो इनडिस्टिंग्विशेबल होते तो क्या हो जाता भाई? ये q हो जाता q की पावर n बाय n का फैक्टोरियल। डिवाइड किया था ना भाई, कहां पर? उन फॉर्मूले में भी n के फैक्टोरियल से डिवाइड किया था, यहां पर भी किसे डिवाइड कर दिया भाई? n के फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया है। ये भी पेपर में आ चुका है भाई, ये भी पेपर में आ चुका है पहले, देख लो। किसी को भी डाउट हो तो चेक कर लो, किसी को डाउट है तो चेक कर लो भाई। चेक कर लीजिए भाई, डाउट है तो किसी को। ठीक है भाई, क्लियर है बात यहां तक? ठीक है, इसके बाद लास्ट बच गया बस, देखो भाई कितनी होगी, आठ होगी, नंबर नौ, नंबर नौ, नंबर नौ। देखो भाई, जो काम क्वांटम मैकेनिक्स में वेव फंक्शन करता है, जो काम क्वांटम मैकेनिक्स में वेव फंक्शन करता है, वही काम स्टैटिस्टिकल में कौन करता है? पार्टीशन फंक्शन करता है। यहां पर क्या कहता है भाई? इट इज सेम एज वेव फंक्शन फंक्शन इन क्वांटम मैकेनिक्स। As wave function in quantum mechanics, it is a kind of thermal wave function. Thermodynamics का है ना, तो क्या बोल दिया? Thermal wave function. It is a kind of thermal wave function. ये क्या करता है अभी? Canonical partition function. ये जो कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन है, कौन? Q कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन, ये सारे की सारी इंफॉर्मेशन अपने अंदर रखता है। जैसे क्वांटम में कौन रखता है? वेव फंक्शन रखता है। कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड या फिर नीडेड टू कैलकुलेट मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, सारी इंफॉर्मेशन लगता है जो क्या चाहिए भाई, जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के वैल्यू निकालने के लिए चाहिए। पिंकी भाई, क्वेश्चन आपको आपके असाइनमेंट में दिए हुए हैं, दूसरी में, दूसरी असाइनमेंट अपलोड करवा दूंगा आज,
असाइनमेंट में पहले के तो हमने सारे कर ही लिए, लगभग दो क्वेश्चन छोड़े हैं, उसमें से एक तो बोजोन का था, बोजोन का फॉर्मूला लगा देना, और एक एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन वाला था, वो फर्मियोन का था, उसमें फर्मियोन का फॉर्मूला लगा देना। इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन कहां पर होंगे, असाइनमेंट नंबर दो में होंगे। दो नंबर असाइनमेंट आज अपलोड करवा दूंगा, मे बी कल तक अपलोड हो जाएगा, परसों तक स्टेट खत्म हो जाएगा, तीसरा असाइनमेंट भी अपलोड हो जाएगा। अब हम 100 या 120 क्वेश्चन कर लेंगे और स्टेट खत्म भी हो जाएगा इजिली। देख लो भाई, किसी को डाउट हो तो इसमें ठीक है भाई, आज की क्लास को कर लेना, इतना ही काफ़ी है, और कल वाली क्लास में क्या शुरू करेंगे हम लोग। अब देखो, क्वांटम में पार्टिकल इन बॉक्स आपने पढ़ा है, रिजिड ऑर्डर आपने पढ़ा हुआ है, मैंने तो नहीं पढ़ा पर हम पढ़ेंगे, हाइड्रोजन एटम पढ़ा हुआ है, और क्या पढ़ा हुआ आपने, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, उनके जो एनर्जिक एक्सप्रेशन मैंने पहली क्लास में लिखवाए थे, और जो डीजनरेसी के फॉर्मूले लिखवाए थे, वो ध्यान रख लेना भाई, वो बस इतना कर देना। ट्रांसलेशन पार्टीशन फंक्शन, वाइब्रेशनल, रोटेशनल और इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन हम इजीली कवर अप कर देंगे, और जैसे ये कवर अप होता है समझ लेना स्टेट हो जाएगी खत्म। इन्हीं से क्वेश्चन आएगा भाई, आज वाली क्लास से क्वेश्चन आ सकता है, कल जो फॉर्मूले लिखवाते फॉर्मूले से क्वेश्चन आ सकता है, कल वाली क्लास में बस फॉर्मूले, आज वाली में फॉर्मूले, अब कैनोनिकल, माइक्रो कैनोनिकल और ग्रैंड कैनोनिकल में क्या क्या फिक्स होता है, और ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है भाई, ठीक है। इतना सा करना, ज्यादा नहीं है, बहुत छोटा सा है, बहुत आसानी से हो जाएगा, सवाल भी हो जाएंगे सारे, ठीक है, टेंशन मत लेना, बाकी कल करते हैं।